नमस्कार दोस्तों, मैं राम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ प्रॉपर्टी एंड कंट्रेक्ट में। दोस्तों ले आए आपके लिए 50 गज में जेड से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस। दोस्तों इस बार की जो प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों 50 गज में जेड से बना हुआ मकान रहने वाला है, डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है दोस्तों, दो मंजिला हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है और बहुत ही शानदार रहने वाली है दोस्तों। 25 फीट के वाइड रोड पर रहने वाली है विद कार पार्किंग साथ और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। जो इस बार की प्रॉपर्टी है दोस्तों लोकेशन उत्तम नगर मोहन गार्डन की रहने वाली है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पे नवादा का मिलने वाला है। काफी शानदार हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। इसके अंदर आपको दोस्तों 3 रूम मिलने वाले हैं विद कार पार्किंग और एक मॉडर्न किचन और 2 वॉशरूम मिलने वाले हैं दोस्तों। इस बार की जो प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों हम लोग आपको लोन फैक्ट्री भी दे रहे हैं 70-80%, 70-80% इसमें आप लोन भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं और कम ROI पे दोस्तों इसमें आप लोन ले सकते हैं। उत्तम नगर की लोकेशन पे नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा के पास हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। एमिनिटीज आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है, स्कूल, बैंक, ATM, जिम, ग्रोसरी शॉप सब कुछ यहाँ आपको नियर अबाउट मिलने वाला है दोस्तों। और बात करें तो घर के अंदर के फैसिलिटीज की तो दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन, BSES इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सबमर्सिबल और आपको यहाँ पे IGL गैस पाइपलाइन भी मिलने वाली दोस्तों। सीवरेज लाइन यहाँ पे भी डली हुई है दोस्तों, सारी फैसिलिटी के साथ दोस्तों 25 फीट के रोड पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। देरी ना करते मैं एक बार इसका आपको एलिवेशन भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जो हमारे नए व्यूअर्स है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि कम बजट में आने वाली प्रॉपर्टी आप तक पहुंचते रहे दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा। हम चलेंगे अपना एलिवेशन की तरफ, मैं आपको एलिवेशन भी दिखा दूं। हम लोग बाहर आते हैं तो बाहर आएंगे तो आपको जो गली मिलने वाली है, गली देख सकते हैं आपको ये 25 फीट का रोड मिलने वाला है दोस्तों। 25 फीट का रोड रहने वाला है, सीवरेज लाइन आपको यहीं देखने को मिलेगी और देरी ना करते हो सबसे पहले मैं आपको एलिवेशन दिखाने जा रहा हूँ। एलिवेशन देख लीजिए, फ्रंट पे पूरा टाइल वर्क मिलने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको पूरा टाइल वर्क मिलने वाला है। स्टील की आपको यहाँ पे दोस्तों ग्रिल मिलने वाली है। फ्रंट पे हम लोग बात करेंगे गेट का, तो हमारी जो गेट रहने वाला आप देख सकते हैं डबल पल्ले में काफी मजबूत आपको यहाँ पे आयरन का गेट मिल जाता है। ये हमारा आप गेट देख सकते हैं डबल शटर में है, काफी मजबूत हमारा गेट रहने वाला दोस्तों। वेंटिलेशन घुटन ना हो तो ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे जाल दे रखा है, आपका वेंटिलेशन घुटन रहने वाली नहीं है दोस्तों। विद कार पार्किंग के साथ है तो कार पार्किंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको रैम बना रखा है, आप रैम देख सकते हैं काफी इजी आपको यहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग ले जा सकते हैं दोस्तों। लेट नाइट वर्क हम लोगों ने यहाँ पे रैम पे यूज किया हुआ है, रैम यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा हमारा रैम्प रहने वाला है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिल जाते हैं, आप स्टेप देखेंगे तो स्टेप भी काफी हम लोगों ने कंफर्टेबल बना रखे हैं। यहाँ पे आपको स्टेप मिल जाता है, ग्रेट नेटवर्क हम लोगों ने यूज किया हुआ। आप यहाँ से अपना एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस करते ही आपको जो सबसे पहले मिलने वाला है आपको यहाँ पे आपका पार्किंग एरिया मिलने वाला है। पार्किंग एरिया आप देखेंगे दोस्तों काफी बड़ा मिलने वाला है क्योंकि इसका जो डायमेंशन रहने वाला है 15x30 का रहने वाला है। तो इसमें जो आपको लेंथ मिलने वाली है 30 की और जो इसको चौड़ाई मिलने वाली है आपको 15 की मिलने वाली है। आप देख लीजिए कार पार्किंग काफी बड़ा रहने वाला है, काफी बड़ी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। आप नीचे देखेंगे पार्किंग एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ग्रेनाइट वर्क यूज किया हुआ है, ग्रेनाइट वर्क पूरा पार्किंग एरिया में आपको देखने को मिलेगा और फोल सेलिंग का डिजाइन भी हम लोगों ने पूरा पार्किंग एरिया में करके दे रखा है। फोल सेलिंग का डिजाइन वर्क भी आपको पूरा पार्किंग एरिया में देखने को मिल जाता है दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे 4-4 फुट तक विक्ट्री 5 हाई ग्लोसी यहाँ पे हम लोगों ने टाइल वर्क लगा रखा है। टाइल वर्क आप देखेंगे चारों तरफ आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क देखने को मिलेगा और हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे स्लिप मिल जाती है। घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गोल्डन कलर में हम लोगों ने यहाँ पे आपको पूरी स्लिप देखने को दोस्तों मिलेगी। हम लोगों ने यहाँ पे पार्किंग एरिया में आपको पूरा वॉलपेपर का डिजाइन वर्क दे रखा है, आप देखेंगे इससे हमारी पार्किंग एरिया काफी सुंदर, काफी अच्छा हमारा यहाँ पे पार्किंग एरिया रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे लुक के साथ हमारे यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है। स्टेयर के नीचे भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको 4-4 फुट तक पूरा टाइल वर्क करके दे रखा है, यहाँ भी आपको गोल्डन स्लिप वर्क मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोगों के दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन रहने वाले हैं, समरसिबल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन क्यों छोड़े हुए हैं, आप अपना चाहे तो दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन अपने नाम से ले सकते हैं। ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में आपको यहाँ पे नीचे पार्किंग एरिया में आपको एक रूम मिलने वाला है और एक वॉशरूम मिलने वाला है दोस्तों। मैं सबसे पहले तो आपको रूम दिखाऊंगा, थोड़ा सा हाइट से हम लोग देखेंगे तो रूम हमारा ऊपर रहने वाला है। एंट्रेंस करते ही सबसे पहले आपको जो गेट मिलने वाला है वुडन वर्क में देखेंगे 3x6 का हमारा को यहाँ पे गेट मिल जाता है। आप देखेंगे सनमाइका काफी अच्छे क्वालिटी का आपको इसमें हम लोगों ने यूज किया हुआ है, वुडन वर्क और सनमाइका काफी अच्छा हम लोगों का रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो हैंडल लॉक मिलने वाले हैं काफी अच्छे क्वालिटी के हैवी है, आपको यहाँ पे हैंडल लॉक्स मिलने वाले। विंडो यहाँ पे लगी हुई है, घर के अंदर सफोकेशन ना हो, अपना कूलर्स वगैरह लगाना चाहते हैं, इसी लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने आपको पूरी विंडो दे रखी है। विंडो भी मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि बताया गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन इजीली इस पे हो सकता है। आप कम अपना इस पे 15-20% डाउन पेमेंट देके दोस्तों इस मकान को अपना बना सकते हैं, बाकी अपना लोन पे इसको ले सकते हैं दोस्तों और अपना जड़ से मकान लेने का दोस्तों अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे अपना घर के अंदर। जैसे हम लोग अपना फर्स्ट रूम के अंदर एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस करते ही आपको नीचे आपको देखेंगे रूम का साइज काफी अच्छा मिलने वाला है। 10x11 का आपको यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला है। फ्लोर पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2x4 की हाई विक्ट्री 5 टाइल वर्क देखने को मिलेगी दोस्तों। टाइल वर्क आप देख सकते हैं काफी अच्छी रहने वाली है, सेम कलर के साथ हम लोगों ने मैचिंग में यहाँ भी अपना टाइल वर्क लगा रखा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक आने वाली है।
चारों तरफ आपको जो हमें टाइल वर्क मिलेगा काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की पूरी स्लिप लगी हुई है दोस्तों, काफी अच्छी लुक हमारी इससे भी आने वाली है। काफी अच्छा हमारा यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला है 50 गज के अंदर। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको पूरा वॉलपेपर का डिजाइन वर्क मिलने वाला है। इस घर के अंदर आप चाहे तो अपना विंडो एसी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। हम लोगों ने अंडरग्राउंड एसी की फिटिंग यहाँ पे दे रखी है, आप चाहे तो अपना यहाँ पे स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। फुल सेलिंग की डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इस रूम के अंदर भी आपको पूरा फुल सेलिंग का डिजाइन वर्क देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छे डिजाइन वर्क के साथ फॉग लाइट सिस्टम के साथ, हमारा पूरा फॉग लाइट सिस्टम के साथ हमारा यहाँ पे आपको फुल सेलिंग का डिजाइन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हमारा एक आपको नीचे एक रूम मिल जाता है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लोनेबल प्रॉपर्टी है दोस्तों। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये रूम हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया एक विंडो मिल जाती है, मैं विंडो को ओपन करूँ तो आप विंडो देखेंगे काफी अच्छे साइज में आपको यहाँ विंडो मिल जाती है। आप अपना इस विंडो को ओपन कर सकते हैं, अपना कूलर वगैरह यहाँ भी लगा सकते हैं। कूलर वगैरह लगाने के लिए हम लोगों ने स्पेस दे दिया, वेंटिलेशन होने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने पूरा आपको विंडो दे रखी है। अभी हम लोगों ने ग्लास वर्क किया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है, आप चाहे तो अपना ग्लास वर्क हटा सकते हैं दोस्तों। और काफी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलर स्विच वगैरह और वायरिंग वगैरह की हुई है। सबसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पे मॉड्यूलर स्विच वगैरह मिल जाते हैं। एमसी यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी है, आप अपना एसी वगैरह अपना ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग आपको नीचे का जो हमारा एक वॉशरूम रहने वाला है, मैं आपको आपका वॉशरूम भी दिखाने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो इंडियन पॉट के साथ आपको हमारा ये वॉशरूम मिल जाता है। इंडियन पॉट के साथ हमारा ये वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम का साइज काफी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा हाइट से ऊपर इंडियन पॉट का आपको वॉशरूम बना के दे रखा है, यहाँ तक हम लोग का इंडियन पॉट का हाइट रहने वाला है। बाकी हम लोगों ने आपका यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों के टैब्स रहने वाले हैं। अच्छे क्वालिटी के आप सेटी वर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे टैब्स रहने वाले हैं। हम लोगों ने शावर पॉइंट यहाँ पे की हुए, गीजर पॉइंट हम लोगों ने वहां पे लगाया, अपना शावर गीजर पॉइंट आप इसमें लगा सकते हैं। टिल एंड तक वॉल टू वॉल आप देखेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिलने वाला है, काफी अच्छे क्वालिटी की हम लोग यहाँ पे टाइल वर्क हम लोगों ने यूज की हुई है। आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है, टाइल वर्क अच्छा मिल जाता है दोस्तों। और 25 फीट के रोड पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलने वाली दोस्तों और लोनेबल प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इसमें आप लोन भी ले सकते हैं 80% तक दोस्तों, इसमें लोन ले सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम लोग वॉशरूम से बाहर आएंगे तो बाहर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन हम लोगों ने यहाँ पे एक मिनी वॉश बेसिन दे रखा है, मिनी वॉश बेसिन को आप इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा नीचे आपको एक रूम एक वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग की स्टेयर मिल जाती है, आप स्टेयर देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पे आपको एसएस की दोस्तों यहाँ पे रेलिंग मिलने वाली है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरिस तक जो भी हमारी यहाँ पे रेलिंग रहने वाली है सारी स्टील की रेलिंग मिलेगी आपको। और हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रेड नाइट वर्क यूज किया हुआ है स्टेयर पे, आप ग्रेड नाइट वर्क देखेंगे तो काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे आपको ग्रेड नाइट वर्क देखने को मिलेगा। और स्टेयर पे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, अगर आप हाथ लगाते हैं आपका पेंट्स वगैरह खराब हो जाता है, वॉल्स वगैरह खराब हो जाती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको पूरा टाइल्स वर्क दे रखा है। आप टाइल्स वर्क देखेंगे यहाँ पे टाइल्स किया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे हमारे आप देखेंगे आपको ग्राउंड फ्लोर के हमारे यहाँ पे आपको पूरे एमसीबी बॉक्स मिल जाते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाऊं एक बार दिखाएंगे तो ये आप देखेंगे आपको यहाँ पे आपके ग्राउंड फ्लोर के एमसीबी बॉक्स मिल जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने अपना नीचे का ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया जिसमें आपको एक रूम एक वॉशरूम और पार्किंग एरिया मिलने वाला दोस्तों। मैं आपको आपका फर्स्ट फ्लोर भी दिखाने वाला हूँ जो हमारा 2 BHK रहने वाला, काफी सुंदर और काफी अच्छा रहने वाला। हम चलेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। जैसे हम लोग स्ट्रीट से आगे एंट्रेंस करते हैं तो हमारे को हमारा यहाँ पे आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, छोटा सा हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम रहने वाला है, मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर टाइल्स की। नीचे आपको जो फ्लोर टाइल्स देखने मिलेगी स्टेयर तक जो हम लोगों यहाँ पे फ्लोर टाइल्स हैं वो ग्रेड नाइट वर्क है। यहाँ पे इससे हम लोग जैसे अपना हम लोग ड्राइंग रूम में आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे फ्लोर टाइल्स देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे Victi 5 आपको यहाँ पे नीचे टाइल वर्क देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा 2 BHK रूम रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको आपको दिखाने जा रहा हूँ किचन। यहाँ पे हम लोग जैसे एंट्रेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एक किचन एरिया मिल जाता है, आप देखेंगे आपको पूरा मॉडर्न किचन रहने वाला है और काफी स्पेसियस काफी बड़ा आपको यहाँ पे किचन एरिया मिलने वाला है। किचन एरिया में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे जो रैक रहने वाले अच्छे सनमाइका के साथ हमारे रैक रहने वाले, चिमनी वर्क हम लोग इसमें आपको करके देने वाले, वेंटिलेशन यहाँ पे बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि चिमनी इसमें हम लोग आपको लगा के देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने ग्रेड नाइट की तो आप ग्रेड नाइट देखेंगे, ग्रेड नाइट यहाँ पे आपको 2.25 फुट में एल शेप में आपको यहाँ पूरा ग्रेड नाइट वर्क मिल जाता है, ग्रेड नाइट वर्क यहाँ पे सारा देखने को मिल जाता है। और हम अपना बास्केट की बात करते हैं तो काफी हैवी क्वालिटी में आपको हम लोग के यहाँ पे बास्केट वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सारे बास्केट वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बास्केट अच्छे वगैरह मिल जाते हैं आपको। फ्रंट पे जो यहाँ पे टाइल वर्क मिलने वाला है आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 फुट तक पूरा आपको चारों तरफ यहाँ पे जो टाइल वर्क देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे अच्छे कलर में अच्छे डिजाइन वर्क में आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क देखने को मिल जाता है दोस्तों। काफी बड़ा हमारा यहाँ पे आपको किचन एरिया मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग अपने सिंक की बात करेंगे तो आप सिंक देखेंगे, सिंक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, काफी बड़ा आपको सिंक मिल जाता है। और जो टैब्स देखेंगे तो यहाँ पे टैब्स भी आपको
सेनेटरी वर्क जो भी है अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ पे टैप और सेनेटरी वर्क हमारा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अपना बात कर लेते हैं आरओ लगाने के लिए। तो आरओ लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक टैप दे रखा है और यहाँ पे आप अपना आरओ वगैरह लगा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आपके आरओ की फिटिंग हम लोगों ने यहाँ पे करके दे दी है। अपना मैं आपको दिखाऊं आपके रैक वगैरह तो काफी स्पेसियस हमारे यहाँ पे आपको रैक वगैरह मिल जाते हैं। आप रैक वगैरह देखेंगे अभी इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क होना बाकी है। अभी हम लोग यहाँ पे अपना फॉग लाइट सिस्टम लगा रहे हैं। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे आपको पूरा फॉग लाइट वगैरह लगा के देने वाले हैं और ऊपर ही आपको किचन के अंदर पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। फॉग लाइट सिस्टम यहाँ पे भी लगा हुआ है दोस्तों। ये हमारा आपको पूरा किचन एरिया मिल जाता है। टैप्स वगैरह सारे अच्छे क्वालिटी के रहने वाले हैं। टाइल्स वगैरह सारे अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको एक रूम यहाँ मिल जाता है जो हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। रूम में जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गेट मिलने वाला है 3x6 का वुडन वर्क में हाई ग्लोसी सनमाइका के साथ, काफी अच्छे सनमाइका के साथ हमारा यहाँ पे गेट मिल जाता है। हैंडल लॉक्स यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो हमारे काफी अच्छे हैवी क्वालिटी के हैंडल लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। वेंटिलेशन घुटन ना हो तो हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है। अभी ग्लास वर्क से हम लोगों ने अभी इसको कवर किया हुआ, आप चाहे तो उसको अपना ओपन कर सकते हैं। हम लोग अपना रूम के अंदर एंट्रेंस करेंगे तो आप रूम का साइज देखेंगे तो काफी बड़ा आपको यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला है। आप रूम का साइज देख सकते हैं, आपका डबल बेड यहाँ पे इजीली लगने वाला है। रूम का साइज की बात करेंगे तो रूम का साइज यहाँ भी आपको सेम साइज मिल जाता है, 10x11 का रूम का साइज मिलने वाला है। और फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको यहाँ पे वॉलपेपर का डिजाइन वर्क मिलने वाला है। वॉलपेपर यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है और नीचे रूम में आपको एसी की फिटिंग देखने को मिली थी। सेम रूम आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको एसी की अंडरग्राउंड फिटिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों। एसी की फिटिंग यहाँ और नीचे दोनों रूम में आपको देखने को मिल जाती है। और फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क आप हमारा देखेंगे तो आपको हर एक कमरे के अंदर फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। काफी लग्जरियस हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, 50 गज में रहने वाली है, जेड से बना हुआ है। जमीन भी आपकी रहने वाली है और छत भी आपकी रहने वाली है दोस्तों। पीछे में आप चाहें तो इसको अपना ऑफर भी बना सकते हैं क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है लेंटर वाली प्रॉपर्टी है। पिलर इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं दोस्तों, काफी अच्छी और काफी मजबूत हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। लोकेशन हर बार की तो उत्तम नगर मोहन गार्डन की रहने वाली है। और यहाँ पे आपको हम लोग एक रूम के अंदर अलमीरा भी बना के दे रहे हैं। अलमीरे का आप साइज देखेंगे काफी हम लोगों को लेंथ वाइज तकरीबन 10-11 फीट की हमारी यहाँ पे अलमीरा मिल जाती है। अलमीरे का सनमाइका आप देखेंगे तो सेम आपको आपका यहाँ पे जो LCD पैनल मिलने वाला है, जो आपका किचन मिलने वाला है, सेम आपको यहाँ पे आपका सनमाइका वर्क मिलने वाला है। मैं आपको आपकी अलमीरा भी दिखा दूँ तो अलमीरे का आप देखेंगे तो आपको ऊपर भी मिल जाते हैं, नीचे मिल जाती है। अलमीरा काफी अच्छी मिलने वाली है। अलमीरा आपको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस रूम में आपको पूरी अलमीरा मिल जाती है। साथ में ही आपको यहाँ पे आपका LCD पैनल मिल जाता है। आप देखेंगे आपको आपका LCD पैनल मिल जाता है। आप हमारे ये डोर्स वगैरह देखेंगे तो काफी अच्छे क्वालिटीज में आपको यहाँ पे पूरे डोर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अपना सामान वगैरह आप इजी रख सकते हैं। और फॉग लाइट सिस्टम भी यहाँ भी होना बाकी है। यहाँ भी हम लोग आपको पूरा लाइट्स वगैरह लगा के देने वाले हैं। यहाँ पे आपको डोर्स यहाँ भी मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे आपके स्विच किए हुए हैं, अब अपना यहाँ पे अपना LCD वगैरह अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं, लगा सकते हैं दोस्तों। इस रूम से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको आपको दिखाने वाला हूँ वॉशरूम। जो इसमें वॉशरूम मिलने वाला है आपको वो आपको इंग्लिश पॉट के साथ मिलने वाला है। मैं आपको आपका वॉशरूम भी दिखा दूँ। हम लोग वॉशरूम में जैसे एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ भी काफी स्पेसियस आपको वॉशरूम मिल जाता है, इंग्लिश पॉट के साथ है। नीचे आपको इंडियन पॉट का वॉशरूम देखने को मिला था, यहाँ पे आपको इंग्लिश पॉट का वॉशरूम देखने को दोस्तों मिल जाता है। टिल एंड तक पूरा आपको वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइल वर्क देखने को मिलेगा। टाइल वर्क यहाँ पे हो रखा है दोस्तों। प्लस यहाँ पे आपको जो आपके टैब्स रहने वाले हैं काफी अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे आपका शावर हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों। और गीजर फिटिंग्स आपकी यहाँ पे होने वाली है। अभी कुछ अनकम्प्लीट वर्क है, हम आपको पूरा रेडी करके देने वाले हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट करके मिलेगा 50 गज में हमारे ये रहने वाले दोस्तों। इसमें डोर की बात करेंगे तो आप डोर देखेंगे तो डोर भी हम यहाँ पे आपको पूरा अच्छे क्वालिटी का वुडन वर्क में डोर लगा कर देने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे जो भी आपको चौखट मिलेंगे इस घर के अंदर, सारी चौखट आपको आयरन की मिलने वाली है। सारी चौखट यहाँ पे आयरन की मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन मिल जाता है, मिनी वॉश बेसिन है। हम लोग अभी इसको भी पूरा रेडी करके देने वाले हैं। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो आपको एक रूम और मिल जाता है, जो रूम आपको आपका अटैच आपको बालकनी के साथ मिलने वाला है। मैं इसमें दिखा दूं तो सेम आप देखेंगे आपको यहाँ पे गेट जो मिलने वाला है वुडन वर्क का गेट मिलने वाला है। वुडन वर्क इसमें भी हम लोगों ने पूरा अच्छे क्वालिटी का यूज किया हुआ। सनमाइका आप देखते हैं काफी अच्छा रहेगा। हैंडल लॉक्स रहने वाले और चौखट आपको जो मिलने वाली है सारी चौखट आपको यहाँ पे आयरन की मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे वेंटिलेशन घुटन नहीं रहने वाली क्योंकि आप यहाँ से भी अपनी विंडो अब चाहे तो इसको अपना ग्लास पर हटा के ओपन कर सकते हैं। और ये जो रूम ऑलरेडी आपका अटैच बालकनी के साथ रहने वाला है। हम लोग इंट्रेंस करते हैं, यहाँ भी आपको रूम का साइज देखेंगे तो ये भी काफी बड़ा रूम का साइज है, डबल बेड इजीली रह सकता है। और फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको यहाँ पे आपका वॉलपेपर का डिजाइन वर्क मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अपना फॉल सीलिंग का डिजाइन रखने का, नए डिजाइन में आपको पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है दोस्तों। 50 गज जेड से बना हुआ
न्यू इंडिपेंडेंस हाउस दोस्तों हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। अगर साइट विजिट करना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों और आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कितना डाउन पेमेंट है और कितना इसकी पेमेंट रहने वाली है दोस्तों। प्राइस वगैरह आप हमें चाहें तो कॉल कर सकते हैं, प्राइस वगैरह के लिए हम लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे हमने आपको नंबर दे रखे हैं दोस्तों। अटैच ये हमारा बालकनी के साथ रहने वाला, तो आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, आप विंडो सेक्शन देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे विंडो सेक्शन मिल जाता है, यहाँ हमारी पूरी विंडो रहने वाली है। आप चाहें तो अपना यहाँ पे विंडो कूलर विंडो एसी वगैरह लगा सकते हैं। गेट आपको सेम यहाँ पे 3x6 का हमारा गेट मिल जाता है, बोनर वर्क में गेट रहने वाला है, हैंडल ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं और हम लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे अपना बालकनी में, तो बालकनी में आप देखेंगे काफी स्पेसियस हमारी बालकनी रहने वाली है, काफी बड़ी हमारी यहाँ पे बालकनी रहने वाली है। बालकनी में आप देखेंगे तो फ्रंट पे हमारा व्हाइट कलर में आपको पूरा यहाँ पे टाइल वर्क मिल जाता है, टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे फास्टनर्स वगैरह लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं फास्टनर्स लगे हुए हैं, आपकी टाइल यहाँ पे गिरने वाली नहीं है दोस्तों। और हम लोगों ने यहाँ पे आपको जो ग्रिल लगा रखी है आप देख सकते हैं एसएस की आपको यहाँ पे ग्रिल वर्क मिल जाता है दोस्तों। अगर आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे टैप दे रखा है दोस्तों, स्विच आपके अंदर ही है, आप चाहें तो अपना यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं क्योंकि काफी स्पेसियस रहने वाली आपकी बालकनी, आप अपना वॉशिंग मशीन यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। और आप देखेंगे रोड जो हमारा रहने वाला 25 फीट के रोड पे हमारे को प्रॉपर्टी मिलने वाली है विद कार पार्किंग के साथ दोस्तों, और अच्छी लोकेशन पे हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। मैं आपको अपना टेरेस एरिया भी दिखाने जा रहा हूँ, हम लोग अपना टेरेस एरिया जैसे चलेंगे तो हम लोग को यहाँ पे जो स्टेयर मिलेंगे स्टेयर पे सेम आप देख सकते हैं ग्रेट नेटवर्क हम लोगों ने यूज किया हुआ है, टाइल आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, सीढ़ियों में पूरे स्टेयर पे आपको टाइल वर्क मिल जाता है। और जो हमारी यहाँ पे आपको रेलिंग मिलने वाली है, रेलिंग आपको पूरी शू से लेकर एंड तक आपको यहाँ पे स्टील की रेलिंग मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर के एमसीबी बॉक्स आपको नीचे मिल गए थे, फर्स्ट फ्लोर के एमसीबी बॉक्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, आप यहाँ से अपना कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। हम चलेंगे अपना टेरेस एरिया पे, एक बार अपना टेरेस एरिया भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आगे हम अपना टेरेस एरिया पे, ये हमारा टेरेस एरिया रहने वाला है दोस्तों, और टेरेस एरिया पे सिक्योरिटी पर्पज से जो हमको गेट मिलने वाला है आयरन का हम लोग को यहाँ पे गेट मिल जाता है, काफी मजबूत हमारा यहाँ पे आयरन का गेट रहने वाला है। ये हमारा पूरा टेरेस एरिया रहने वाला है, जैसा कि बताया कि डायमेंशन 15x30 का रहने वाला, तो उसमें जो आपको लेंथ मिलने वाली है काफी अच्छी लेंथ मिलने वाली है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा हमारा ये टेरेस एरिया मिल जाता है। टेरेस पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्लोर टाइल्स देखने को मिलेगी, फ्लोर टाइल्स यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी है दोस्तों, डायमेंशन 15x30 का रहने वाला है, 50 गज में जट से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला है दोस्तों, नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा का रहने वाला है और मेट्रो कनेक्टिविटी दोस्तों आपको घर के नियर अबाउट ही मिलने वाली है। बात करेंगे अपने वाटर टैंक की, तो समरसीबल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे वाटर टैंक आपका कनेक्ट कर रखा है, 500 लीटर का हमारा यहाँ पे वाटर टैंक लगा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आपको बताया रूम के अंदर हम लोगों ने आपको अंडरग्राउंड एसी की फिटिंग दे रखी है, तो आउटडोर अपना यहाँ लगा सकते हैं, आउटडोर हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए कनेक्शन छोड़ रखे हैं, आउटडोर आपका यहाँ लगा हुआ है दोस्तों। और जैसे कि बताया कि हमारी जो किचन रहने वाली मॉडुलर किचन रहने वाली है उसका जो यहाँ से वेंटिलेशन निकलने वाला है उसके लिए पाइप हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन आप अपने नाम से ले सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे पाइप बाहर छोड़ रखे हैं, आप अपने नाम से ले सकते हैं, समरसीबल लगा हुआ है और आईजीएल गैस पाइपलाइन यहाँ पे आ रखी है दोस्तों। लोकेशन हर बार की तरह उत्तम नगर मोहन घाट की रहने वाली है दोस्तों, और काफ़ी कम प्राइस रहने वाला है इस प्रॉपर्टी का, काफ़ी कम प्राइस रहने वाला है और डिस्टेंस मेट्रो का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रहने वाला है दोस्तों। फ्रंट पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको जो ग्रिल लगा रखी है, ग्रिल आप देखेंगे आपको यहाँ पे स्टील की ग्रिल मिल जाती है, ग्रिल हमारे यहाँ पे पूरी स्टील की रहने, काफ़ी मजबूत हमारे यहाँ पे ग्रिल रहने वाली है दोस्तों। अगर आप छत पे ही अपना वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके पावर स्विच वगैरह दे दिए हैं, टैब हम लोगों ने वहाँ पे दे दिया, आप अपना यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन अपना लगा सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगता है कि आपके फायदे की वीडियो दोस्तों, तो वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा। अगर इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने स्क्रीन पे नंबर दे दिए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।